आज का जो रेवोल्यूशन है, आई एम यूजिंग द वर्ड इन अ लूज सेंस, डोंट होल्ड मी टू द वर्ड रेवोल्यूशन. जी, आज का जो चेंज का फ्यूचर की जर्नी, लेट मी कॉल इट फ्यूचर जर्नी. जी, आज के लोगों का जो फ्यूचर जर्नी का इशू है वो ये है कि लेकिन वो उनको आज की तकलीफों के हवाले से नहीं मिलेगी. क्या उसका सिरा आज के प्रॉब्लम जो तकलीफों से नहीं पता चलेगा. मगर आज की प्रॉब्लम है क्या, मतलब जो डिसकंटेंटमेंट इनकी है, ये इनकी है, ये तुम्हारी, ये मेरी है, इनकी ऑर्डिनरी इकोनॉमिक मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की, वर्किंग क्लास की, कुछ जो सबसे गरीब लोग हैं, जो वेलफेयर का काम जहाँ होता है, एनजीओ जहाँ करते हैं, कुछ लोअर मिडिल क्लास का है, उनकी डिसकंटेंटमेंट है. जो हमारे घरों में नौकर होते हैं उनकी कुछ उस क्लास के प्रॉब्लम है या नहीं. बिल्कुल. इन लोगों का जो विजन है, इनके लिए जो लोग सोचेंगे, इन लोगों के लिए जो हमारे यहाँ के, देखो ना, कुछ कंटेंटेड लोग हैं, कुछ डिसकंटेंटेड लोग हैं, ये बात सही है या नहीं. तो बताओ तुम्हारे असेसमेंट में डिसकंटेंटेड कौन लोग हैं, कोई हैं या सब कंटेंटेड हैं? आई थिंक मैसेस इन जनरल आर डिसकंटेंटेड. वो क्योंकि अभी भी वो एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी अभी भी प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में भी, कि द फ्यू होल्ड द मेजॉरिटी ऑफ. बट आई एम अगेन आस्किंग क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस, लाइक आई एम सेइंग फ्रॉम व्हाटएवर आई हर्ड, आई हैव हर्ड फ्रॉम रज़ा राइट नाउ दैट द डिस्पैरिटी इन द पास्ट हैड अ वेरी डिफरेंट मीनिंग. माई क्वेश्चन इज that are the people really discontented, contented like they were there in their past, because there is a sort of a change around. I think there's a change brewing. Even the people who are because opportunities are arising a lot more. For example, a simple thing like Kareem allows anyone who has the ability to drive to have less of that economic disparity, or I mean it's a. So all I'm trying to say is that, and this is not the first opportunity like this. There have been many opportunities in the past, and I don't know. I have every time when somebody would talk on the news and everything that, you know, oh, Pakistan mein ek din log aa jayenge aur uthakar roads pe khade hokar ke, ya Imran Khan jaise bolta hai ki hum government pe kabza kar lenge. That doesn't hold true anymore. It doesn't feel true anymore. And even if it does happen, it's not something we're as scared of as people probably post French Revolution must be. Many kings must be scared. Other their wits ke hamare sath kya hoga. I'm sure that wo jo ek feeling arise ki hogi us waqt, that feeling doesn't arise anymore. We are only. No, it doesn't. It doesn't. It doesn't feel that you. Way anymore. आज का revolution जो है, चाहे उसका लफ्ज इस्तेमाल करो, चाहे अगर confusion create करता है, don't use the word. आज का जो change का issue है, social change का issue, let's use the term. जो social change का issue है, मुझे student से ये महसूस होता है कि आज के खाते पीते लोगों का मसला ज्यादा है. मसला है. आज जो हिस्टोरिकली चेंज प्रेग्नेंट है, जो टाइम और हिस्ट्री का प्रेशर है, जो प्रेगनेंसी है टाइम के पेट में, वो हम लोगों का है. डिसकंटेंटमेंट हम में है, हमारा डिसकंटेंटमेंट. बनिस्बत डिसकंटेंटमेंट की जो नेचर है वो ये है, नहीं है कि हमारे पास कम है, बल्कि हमारे पास इससे बहुत ज़्यादा हो सकता था. रुपया नहीं, हैप्पीनेस एंड बेटर कल्चर एंड बेटर लाइफ, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, मच मोर हैप्पीनेस, है ना, ऑल राउंड. It could be a much better quality of life than we have today. I think I personally believe कि आपका जो question है ना, that makes Raza's work even more relevant. क्यों? क्योंकि I believe आजकल जो हमारा एक sophisticated एक culture society है, हमारा उस तरह का warfare नहीं है जो पहले एक physical warfare होता था. नहीं, अब एक ideas की जान नहीं है. तो over here exactly it's more about ideology than about मतलब physical change. एक second. जंग लड़ने वाले लोग
और जंग में जंग क्रिएट करने वाले लोग और जंग जंगों को अपने फवाद के लिए इस्तेमाल करने वाले लोग ऑब्वियसली इंटेलिजेंस से होते होंगे. रजा, एक सवाल है कि हाँ, सो द फुट सोल्जर्स आर द मैसेस. जो टर्म, जो जंगें, जो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि क्या वाकई में आज जंग, जंग तो तब होती जब दो अपोजिट पार्टी आपस में लड़ रहे होते. हाँ, दो पार्टियां तो हैं. नहीं, मगर आज रजा जो बात की बात मुझे समझ में आ रही है कि जो डिसकंटेंटमेंट का इश्यू आ रहा है उसके जो एक पहला सेलियंट फीचर है कि वो अब जो मैसेज में जिस तरह की डिसकंटेंटमेंट थी वो अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रही, जो कि वो रेवोल्यूशनरी फोर्स नहीं रही इन द पास्ट की तरह. एक तो दूसरा है कि हम जैसे और खाते पीते से मुराद मतलब है कि वो लोग जिनको रात को ये नहीं सोचना कि हमारे घर में चूहा कैसे चलेगा. मिडिल क्लास के लोग, पढ़े लिखे मिडिल क्लास के. मिडिल क्लास इज बीइंग डिफाइंड एज दोज पीपल जिनके घर में चूल्हा जलाने के प्रॉब्लम नहीं है. बेसिकली दैट इज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग. आई एम एडिंग वन फैक्टर कि पढ़े लिखे और पढ़े लिखे लोग हैं. उनकी डिसकंटेंटमेंट की नेचर और ये एक फिनोमेनन हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, कभी नहीं किया पास्ट में. ये आज का फिनोमेनन 21st सेंचुरी के. हां बिल्कुल. तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं साइंस और टेक्नोलॉजी के पीरियड में 21st सेंचुरी का फिनोमेनन जी. अगर साइंस और टेक्नोलॉजी ना होती तो ये डिसकंटेंटमेंट नहीं हो सकती थी. एक तो इस तो ये आपकी इंटेलिजेंस वो नहीं होती. तो साइंस टेक्नोलॉजी का इस डिसकंटेंटमेंट से क्या कनेक्शन है वो हमें समझाइए. वो कनेक्शन ये कि आपकी थिंकिंग जो है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गई है. ओके, यू बिगन टू थिंक मच मोर रैशनली. पहले यू थॉट अकॉर्डिंग टू गिवन आइडियाज. रिलीजन से गिवन आइडियाज हैं या मोरलिटी एथिक्स से गिवन आइडियाज हैं फ्यूडल पीरियड की. आज साइंस और टेक्नोलॉजी का रोल ये है कि आपकी थिंकिंग जो है वो एक डिसिप्लिन हो गया. यू कैन थिंक ऑब्जेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स. टू व्हाट एंड एंड टू बी मोर सक्सेसफुल इन लाइफ. टू नो नो टू कम टू करेक्ट कंक्लूजंस. टू सी व्हाट इज पॉसिबल एंड व्हाट इज नॉट पॉसिबल. अंडरस्टूड. यू कैन सी साइंटिफिकली एंड टेक्नोलॉजिकली व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज पॉसिबल, व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी इज पॉसिबल. क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक फ्रीडम दे दिया है कि एनीवन कैन एक्सप्लोर डिफरेंट आइडियाज. वो एग्जैक्टली फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी. बिल्कुल बिल्कुल. कैपेबिलिटी भी, द इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी एंड सोशल फ्रीडम. तो आज के जो चेंज का एजेंडा है, हिस्टोरिकल एजेंडा है, वो इट्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट. तो आज का जो पोटेंशियल है, ह्यूमन पोटेंशियल है, दैट इज द explosive material. That is the dynamite. That is the revolutionary force. Because today you can see the future ho kya sakta hai. You are much better off than you were 30 years ago, 40 years ago. 50 saal mein batao, have we, our conditions improved or not? Definitely. Not because of the quality of government. But very because of the growth of science and technology. Makes a lot of sense. Economy badi hai. Needs of production badi hai. Badi hai. Bilkul. Hai ya nahi na? Bilkul. That's a fact. Jo contemporary resources hain, potential hai, uske kya, us par kya mandir ban sakta, tamir ho sakti hai. Insani zindagi ki. You're being cheated of that. You're being cheated of the quality of life, material and emotional and intellectual, all three dimensions. Actually, historically, what has happened is that insan, starting from being an animal, from being an ape, wo badhte badhte yahan tak pahunch gaya ke tum ho, tum ho, tum baithe ho. Ye to aasan hai tumhare liye dekhna. बिल्कुल सही. कि तुम एप से कहाँ तक पहुँच गए हो, ये मुश्किल हो रहा है तुम्हारे लिए देखना कि अब जहाँ खड़े हो उसके आगे क्या है. जरा सोचो कि अगर थोड़ा सा पहले एप थे तो वहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हो, तो ज़रा सोचो कि अब जहाँ खड़े हो उसके आगे क्या है. वो नहीं सोच रहे हो. तुम्हारा जो ड्रॉबैक है वो ये कि उसी में फंसे हुए हो. तो डिसकंटेंटमेंट वहीं से अराइज कर रही है. डिसकंटेंटमेंट वहाँ से अराइज करना चाहिए. अब जो कंटेम्प्रेरी डिसकंटेंटमेंट है
and I'm using the term contemporary contentment. वो इसमें से निकलेगी, वो तुम्हारी इंटेलिजेंस से निकलेगी। अभी जो करंट डिसकंटेंटमेंट है वो क्या है रजा आपके हिसाब से, जिसके बारे में हमने ये तो इल्यूमिनेट कर दिया कि भी इकोनॉमिक डिसकंटेंटमेंट तो बहुत है जी, मगर अलाइव डिसकंटेंटमेंट नहीं है। ऐसी कोई डिसकंटेंटमेंट जिसमें से इनकलाब निकले। आपने कहा है कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस एक डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो रही है अमंग मैसेस। अब डज दैट मेक ह्यूमन बीइंग वीक एंड टेक्नोलॉजी मोर डोमिनेंट, एंड बिकॉज ऑफ दिस इन फ्यूचर जो भी एवोल्यूशन आना है, रेवोल्यूशन आना है, विल दैट बी अ कॉज ऑफ अगेन ह्यूमन माइंड बीइंग वीक एंड टेक्नोलॉजी बीइंग डोमिनेंट टेक्नोलॉजी इटसेल्फ? ठीक है, जस्ट कंसिडर टेक्नोलॉजी खुद डोमिनेट करती है क्या, कि जैसे वो फ्यूडल लॉर्ड डोमिनेट करता था पेशेंट को, क्या उस तरह डोमिनेट करती है? क्या जिस तरह स्लेव ओनर जो खरीद के ऑक्शन में ले आता था स्लेव को, क्या जिस तरह से वो डोमिनेट करता था, क्या उस तरह से टेक्नोलॉजी डोमिनेट करती है? मुझे ये बताओ कि क्या वो जिस तरह एक फैक्ट्री का मालिक डोमिनेट करता था अपने यहाँ वेज डेली वेज लेबर को, क्या उस तरह से टेक्नोलॉजी डोमिनेट करती है? नहीं, तो बताओ टेक्नोलॉजी किस तरह डोमिनेट करती है? बताओ टेक्नोलॉजी तो एक हमें एक्सेसिबिलिटी दे रही है ना, तो फिर डोमिनेट कहाँ करती है? बट डोंट यू थिंक कि उसकी वजह से ह्यूमन ना, वो तो तुमने डोमिनेट करवाया है बड़ोबड़ी आप पे, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज द रेवोल्यूशन ऑफ योर टाइम, कि तुम्हारी अपनी समझ जो पर्सनल समझ है वो करस्पॉन्ड करे विद द क्वालिटी ऑफ द इंटेलेक्चुअल क्वालिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ योर टाइम, ऑफ योर टाइम एंड टुमारोज टाइम। एवरी वीक समथिंग कम्स अप। मेरा प्रॉब्लम ये है, जहाँ से मेरे स्टैंड पॉइंट से, कि एक तरफ तो तुमको इंसान को इतनी अपॉर्चुनिटीज कभी थी नहीं टू लुक एट द फ्यूचर एंड वॉट इट कैन बी, हाउ मच बेटर इट कैन बी देन वॉट इट इज। दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये है कि जितनी अपॉर्चुनिटीज थी आज तुमको अपने मटीरियल इम्प्रूवमेंट की, उतनी पहले आज से 50 साल पहले नहीं थी, नहीं थी ना। ये है आज का जो डायलेक्टिक है वो ये है कि तुम्हारे पास पहले के मुकाबले में पर्सनल इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, और दूसरी तरफ आज की जो ज़िंदगी है तुम्हारी उससे 10 गुना ज़्यादा 20 गुना ज़्यादा बेहतर होने की पॉसिबिलिटी है। यू सैंडविच बिटवीन दीज टू पॉसिबिलिटीज ऑफ योर टाइम एक्टिंग ऑन यू, वन पुशिंग यू बैक, वन पुशिंग यू फॉरवर्ड। दैट वन इज वीक, क्योंकि यू आर सो बिजी विद पर्सुइंग योर अपॉर्चुनिटीज दैट यू हैव नो टाइम नो एनर्जी फॉर फोकसिंग ऑन द पोटेंशियल ऑफ योर फ्यूचर। मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। द अपॉर्चुनिटीज दैट हैव बीन अवेल्ड ऑफ एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट आर बीइंग लॉस्ट फ्रॉम अ ह्यूमन स्टैंड पॉइंट, इंसानी में आते हैं ना, उसके पीरियड का ये स्टैग्नेशन है। तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल में क्यों नहीं लोग चला सकते हैं? पैरेलल में क्यों नहीं चल सकती? पैरेलल में तो चलाना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग गिव अप द अदर वन, आई एम नॉट सेइंग गिव अप योर एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी, आई हैव नॉट सेड इट एट ऑल, नॉट डू आई वॉन्ट टू सेड दैट, स्टूपिड एंड सुसाइडल। आई एम नॉट सेइंग कि एक छोड़ करके दूसरा करो, छोड़ तो तुम रहे हो अब फ्यूचर की जो अपॉर्चुनिटी है जहाँ इंसान खड़ा है साइंस और टेक्नोलॉजी समेत जितना आगे जा सकता है, अपनी सोसाइटी को बेटर बना सकता है, कल्चर को, पॉलिटिकल सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को, और अपने कल्चर को, पर्सनल कल्चर को, सोशल कल्चर को जितना इम्प्रूव कर सकता है, ये हरगिज कॉस्ट नहीं है। यू डोंट हैव टू मेक दैट सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस आपको सिर्फ ये करना पड़ता है कि जो आपकी लेसीनेस है, कि जिसमें आप अपना माइंड सारा का सारा फोकस किए हुए उसके इर्द गिर्द अपनी पर्सनल अपॉर्चुनिटीज के, और टोटली उसको आपने जंदरा मारा हुआ है कि अपने फ्यूचर के अंडरस्टैंडिंग का, ऑन द बेसिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
on the basis of science and technology, जिसका खटिया खाते हैं उसी का हराम करते हैं, ये insensitivity जो है. I'm just asking for more sensitivity and more intelligence. Yeah. I'm not asking for any sacrifices. There's no occasion for sacrifices. कोई past के जो revolutions होते हैं वो struggle तो आपको नहीं करनी है. आपको तो अपने ज़माने के जो स्ट्रगल जो रिवॉल्यूशन का नेचर है जो हिस्ट्री में प्रेग्नेंट है जो हकीकत में है उसके लिए करना है ना भाई. द क्वालिटी ऑफ लाइफ मटीरियली एंड इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली कैन बी 10 times बेटर देन व्हाट इट इज. आज के रिवॉल्यूशन की जो नेचर है ना वो इंसान के अंदर की है. मुझे अमरीका से विलायत से फ्रांस से सिटीजनशिप का रिटन गवर्नमेंट का ऑर्डर मिला सिटीजनशिप का. आई रिफ्यूज टू मूव आउट ऑफ लाहौर. मैं यहाँ जेल जाता रहा हूँ, यहाँ से गया नहीं हूँ, मैं भूखों नहीं मरा हूँ. मैंने ये मकान भी खरीदा, मर्सिडीज मोटर भी खरीदी, ये नहीं है. बट आई रिफ्यूज टू लीव दिस प्लेस एंड आई हैव नेवर अवॉइडेड गोइंग टू प्रिजन इफ इट मीन्ट कि मैं अपने ख्यालात अपनी सोच छोड़ दूँ. So you see, I am fighting between the past and the present and the future. The present life, hai, I don't agree with it because there is 10 times better life possible tomorrow in this time of science and technology. Major revolution ka concept, it is based on the potential of the present time for human beings. I am saying you are being foolish. Okay, you are taking so much and when you have so much inheritance from the past. Fuller human being. You should be more human than you are in your motivation, in your intelligence. And I'm saying that that's more important than just pursuing one simple opportunity. Narrow-minded approach. Okay? That's the correct word. Narrow-minded approach. Okay? I am revolting against that narrow-mindedness. इस ज़माने का जो narrow-mindedness है, उसके ख़िलाफ़ मैं revolt कर रहा हूँ. जाइए बात. मेरे लिए वो जो human quality है, तुम्हारी experience की, तुम्हारी feeling की, तुम्हारी thinking की, that is primary.